दोस्तों आपको तो याद ही होगा, एक चलती हुई ट्रेन के अंदर एक रेलवे पुलिस के सिपाही ने ताबड़तोड़ गोलियां मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्गों पर बरसा दी थी, उनकी हत्या कर दी थी। उस दौरान मोदी और योगी आदित्यनाथ के गुणगान गा रहा था। ये साफ साफ पता लग रहा था कि वो व्यक्ति किस तरीके से किसकी विचारधारा से जुड़कर मुसलमानों की हत्याएं करने पर उतारू है। यही नहीं, अब एक एक करके ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है। हाल ही में एक खबर आई थी कि आरएसएस को उसकी विचारधारा को उससे जुड़ने को लेकर उसके कार्यक्रम में जाने की जो पाबंदी लंबे वक्त से लगी हुई थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी आरएसएस के या किसी भी संगठन के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेगा, उसे मोदी सरकार ने हटा लिया था। तब भी मैंने कहा था कि अगर एक ऐसा संगठन जो धार्मिक आधार पर फैसले लेता हो अगर उससे जुड़ा जाएगा तो ये देश के लिए खतरनाक है। आज आपको कई ऐसी वीडियो दिखाऊंगा कि देश के अलग अलग कोने में जहां एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ लंपट मवाली माफिया सड़क पर उतरकर बदतमीजियां कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति डंके की चोट पर एक मुस्लिम बस्ती को पाकिस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। मैं बार बार यही कह रहा था कि आरएसएस की कार्यक्रम में आराम से कोई भी अधिकारी जाए, कोई भी कर्मचारी जाए, कोई छूट कोई रोक नहीं है, आराम से आप जा सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, मुझे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि अगर उस विचारधारा का सीधा सीधा एक ही प्रमाण हो कि वो मुस्लिम विरोधी हो, या फिर सोचिए ऐसा ही एक संगठन मुसलमानों का हो जो हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलता हो और सरकार कह दे कि उस संगठन से ताल्लुक रख सकता है कोई भी अधिकारी कर्मचारी, तो यही हो रहा है दोस्तों। ये किया गया और उसके बाद उसके परिणाम भी सामने आए, वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जिससे न्याय की उम्मीद करते हैं वही व्यक्ति अपनी चेयर पर बैठकर एक फैसले की सुनवाई के वक्त एक मुस्लिम बस्ती को पाकिस्तान कहते हैं और उस पर ठहाके लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। अभी तो अभी उतारो, दो मिनट के अंदर उतार। अभी भाई ये सारा धन बोखला समय है यार, अभी उतार ले से, अभी उतार, दो मिनट का टाइम है, दो मिनट का टाइम है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दो मिनट का टाइम है। आलिम खान कृष्णा के नाम का तो सुनो, एक मिनट। जय गो माता, जय श्री राम। माई हम टीम दत्त चौधरी से, भाई हम सारे भाई आए हुए हैं भाई, अभी उतार। पूरे इलाके से उतार चाहते हैं कृष्णा हटाने। इसका नाम आलिम है और कृष्णा नाम से इनने दुकान खोल रखी है। अभी आपने देखा एक बंदा पेशाब मिला करके हिंदुओं के नाम से दुकान खोलते हैं, फिर ये पेशाब मिला करके हिंदुओं को पिलाने का काम करते हैं। इस पे आलिम नाम लिखना कृष्णा क्यों नहीं रखा भाई? लेकिन उतारो अभी, दो मिनट देख लो भाई साहब। नाम आलिम और कृष्णा नाम से दुकान खोल रखी है। इन्हें लग रहा है केजरीवाल की सरकार है तो हिंदुओं को मुंह मिला के पिला दो। अभी हमने एक दुकान पकड़ी थी, कुछ भाइयों ने हमारे, आज हम यहाँ भी आए हुए। एक बार भीड़ दिखा दो भाई, एक बार भीड़ दिखा दो। तो आपने सुना, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, इन्हें दिक्कतें बड़ी होती हैं, लेकिन कभी ये आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जाकर पता करें जो बीफ फैक्ट्रियां हैं, उस बीफ फैक्ट्री में सबसे ज्यादा आप देखिए जो हिंदू हैं जो करते हैं काम, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों का नाम मुसलमान नाम से रख रखा। लेकिन इन्हें दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत इस बात से है, अंसार इमरान एसआर है, उन्होंने लिखा, गौरक्षा दल के नाम पर आग मूंदने वाला ये हिंदू चरमपंथी भीम दत्त चौधरी नाम का युवक बिना सत्ता और प्रशासन के संरक्षण की इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो सरेआम मुस्लिम दुकानदारों को धमकाने का कानून विरोधी काम कर सके। मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत ऐसी वीडियो बनाना अब देश में सामान्य बात होती जा रही है। सबसे दुखदाई पहलू तो यह है कि स्थानीय प्रशासन ऐसे सभी मामलों में नपुंसक की तरह बैठ करके केवल तमाशा देखता है, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा कि ये कहां की है, उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, दिल्ली की है, कहां की है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि इसमें लिखा भी नहीं है, लेकिन जो वीडियो सामने आई उसमें आप देख सकते हैं, इसमें गाजियाबाद की घटना का जिक्र करता है ये व्यक्ति। उस घटना में निकल कर आया था कि वो यूरिन मिलाकर जूस बेचा करता था, बस है कि वो मुसलमान थे इसलिए। लेकिन ऐसी कई वीडियो भी हैं हमारे सामने जिसमें अलग अलग धर्म के से ताल्लुक रखने वाले, खासकर हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूस बेचने वाले अलग अलग हैं, उन्होंने गंदगी फैलाने का काम किया है, लेकिन इनको केवल मुसलमानों से दिक्कत है। तो ये मान लिया जाए, ये ऐसे लोग जो बदतमीजियां करते हैं, इन्हें मुसलमान अगर थूक कर यूरिन पिलाकर काम चलाए तो पी लेंगे। ये फैसला तो सबके लिए होना चाहिए, गंदगी और गलीज गंदगी फैला रहा। मैं कह रहा हूं जो गाजियाबाद में कर रहा था, जो पकड़ा गया तो बिल्कुल गलत काम था, लेकिन जो करते हैं उनके खिलाफ भी ऐसी मुद्दा उठना चाहिए। हाँ या ना? खैर, अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा।
go to the Syria, that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. This is the reality. ನೀವು ಎಂತಾನೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಾರ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾ ಪೂರಿ ಸುನವಾಯಿ ಚಲ್ ರಹಿ ಥೀ ಕಿಸ್ ಮಾಮಲೆ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಚಲ್ ರಹಿ ಥೀ ವೋ ಪತಾ ನಹೀ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಫಿಲ್ಹಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಮೈ ಚಲ್ ರಹಿ ಥೀ ಇಸ್ಮೇ ವೇದ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶಾನ್ ನಂದ್ ಹೇ ಉನ್ಹೊನೆ ವೋ ಸುನವಾಯಿ ಕರ್ ರಹಿ ಥೀ ಇಸ್ ದೌರಾನ್ ಆಪ್ನೆ ಸುನಾ ಹೋಗಾ ಇನ್ಹೊನೆ ಬಡೆ ಸಲೀಕೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಿಯಾ. ಮೈ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಇನ್ಕಾ ಅನುವಾದ್ ಭಿ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೂನ್. ದರಸಲ್ ಏಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇ ಏಕ ಜಗಾ ಹೈ, ವಹಾಂ ಪರ್ ಏಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಸ್ತಿ ಹೈ, ಉಸ್ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೋಯಿ ಸುನವಾಯಿ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಬಾತ್ ಚಲ್ ರಹಿ ಥೀ ಔರ್ ಉಸಿ ದೌರಾನ್ ಇನ್ಹೊನೆ ಉಸೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया. अब आप खुद सोचिए, जिन जो न्याय करेंगे, जो इंसाफ देंगे, जो सुनवाई करेंगे, जिनके पर जिम्मेदारी है कि हर तरह के अन्याय के खिलाफ वो एक सटीक और सही इंसाफ देकर पीड़ित को न्याय दिलाएंगे, अगर वही धर्म के आधार पर किसी एक जगह को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो क्या है. कवीश अजीज ने ट्वीट किया, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व्यासाचार्य श्रीशानंद बेंगलुरु के एक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र को पाकिस्तान कह रहे हैं. और उसके बाद देखिए हंसे भी है, ठाका तो ऐसा लगाया जैसे बहुत बड़ी मस्करी वाली बात की है. मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अगर ये काम कोई और करता है तो समझ में आता है, लेकिन जब जज न्यायाधीश, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इनके लिए, अगर कोई जज किसी हिंदू वाले क्षेत्र को भी ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट करने का काम करेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि इन्हीं से तो हमें उम्मीद है. लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसा कर रहे थे. खैर, अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर भी जरा देखिएगा. तो कितनी अच्छी बात की जा रही है. ये उत्तराखंड की तस्वीर है, वीडियो है, द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई. लिखा, उधम सिंह नगर उत्तराखंड, जागे थे एक बार शिवाजी, मार भगाए मुल्ले काजी. वाह 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 वाह, यही काम इनके पास रह गया. मैं देख रहा हूं, देखिए छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले देश का भविष्य है, उनको यही सिखाया जा रहा है, वहां बताया जा रहा है कि क्या बनना है. उनको डॉक्टर नहीं बनवाना, उनको 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 इंजीनियर नहीं बनाना, उनको देश के भविष्य के तौर पर नहीं रखना. इनके मुताबिक सबसे बड़ी मुसीबत कौन है इस समय? मुसलमान. और यही उनके लिए तैयार किया जा रहा है. कल यही बच्चे बड़े होकर कुछ सत्ता, जो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनकी सत्ता में पानी डालने की, उनकी सत्ता की नींव में पानी डालने का काम करेंगे. देखा नहीं हाल में वीडियो आ रही थी हिमाचल प्रदेश से, अलग अलग जगह, कर्नाटक में आपने देखा, हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी कर रहे थे. कौन थे? बूढ़े बुजुर्ग नहीं थे, वो नए नए लड़के थे जिनको रोजगार मिल नहीं रहा. तो रोजगार के नाम पर यही गंदगी फैलाने का काम किया जाता है, और ऐसे कार्यक्रम है जहां ब्रेन वॉश किया जा रहा है. इसमें लिखा गया है, था मुस्लिम ने, हिंदू चरमपंथी समूह द्वारा प्रशिक्षण शिविर में गाई गई मुस्लिम विरोधी कविता, भारतीय मुसलमानों के खिलाफ प्रशिक्षण शिविर में की जा रही तैयारी के कुछ दृश्य. अब आप सोचिए कि चल क्या रहा, संयोग है या प्रयोग, अब आप देख लीजिए ये कहां का मसला है, उत्तराखंड का. अब एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए. थोड़ी आवाज तेज थी, शायद आपके समझ में कम आया हो, लेकिन मैं बता देता हूं. दरअसल ये कुणाल पुरोहित है, उन्होंने ट्वीट किया, मुंबई गणेश उत्सव सेलिब्रेशन आर चेंजिंग. टू वीडियोज आई, दो आई, जिसमें एक वीडियो में एब्यूजिक चैंट लगे, मतलब गाली गलौज की गई, नारेबाजी की गई, स्लोगन्स थे किसको लेकर, वक्फ बोर्ड को खत्म करने को लेकर थी. ओवैसी, अजदुद्दीन ओवैसी के नाम पर गंदगी फैलाने का काम किया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोला गया. ऑल दीज वाइल चिल्ड्रन फैमिलीज आर सेलिब्रेटिंग, बताया गया. ये थाने में की तस्वीर, वीडियो है महाराष्ट्र के थाने की, वहां से ये निकलकर सामने आई, वहां ये गंदगी उगलने का काम किया जा रहा था, वो भी कहा माइक पर बैठकर आराम से. गणेश उत्सव, मैं पूछना चाहता हूं, गणेश उस समय मुसलमानों को गाली देने का मतलब क्या? और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद गणेश जी इन पर आशीर्वाद बरसाएंगे, जबरदस्त आशीर्वाद बरसाएंगे. सोचिए,
अपने ही धार्मिक कार्यक्रम में आप गंदगी फैला, मैं कहता हूं ना ये धार्मिक नहीं है, ये सारे नौटंकीबाज हैं, ये दोगले हैं ये सारे के सारे। वरना अपने धार्मिक कार्यक्रम में कभी कोई गाली देता है आपको लगता है कि हमारे यहाँ शिवरात्रि हो या वो हो कार्यक्रम हो घर में गालियां दी जाएंगी? नहीं ना, उसमें भक्ति का काम होता है, भक्त नहीं है ये, गुंडे हैं, मवाली हैं, लंपट हैं। बस फर्क यह है कि ऐसों से ही चमकती है कुछ लोगों की राजनीति, तो कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार।